हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन पावर व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ रीडिंग लेंस टू फॉर्म इमेज एट अ नियर पॉइंट। तो गाइस हम सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में दो केस कंसिडर करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए। पहला केस है कि जब हमारी इमेज है वो नियर पॉइंट पे बनती है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं m = 1 + d/f, ठीक है। और दूसरा है केस है कि जब हमारी फाइनल इमेज है वो बनती है इन्फिनिटी पे, तब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कंसिडर करते हैं m = d/f, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारी इमेज है वो नियर पॉइंट पे बन रही है, तो हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m = 1 + d/f का, ठीक है। तो ये आएगा 1 + लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है गाइस, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने 25 सेंटीमीटर लिख दिया, पहले 25 लिखा है, और जो हमारी फोकल लेंथ दे रखी है वो 8, और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा मैग्नीफिकेशन आया वो आया 4.125। ये गाइस, और थैंक यू गाइज़।